हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आप अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको समझेंगे और फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो हम देखेंगे क्लासिकल फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनिशियली जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक इसका डायग्राम है, आपको एक वैक्यूम ट्यूब दिख रही है जिसमें P1 इलेक्ट्रोड पे हम अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, पराबैंगनी प्रकाश उस पर आपतित है। P2 कलेक्टर प्लेट है, संग्राहक प्लेट है, और जिसको हमने फिर कनेक्ट कर रखा है। पोटेंशियल के लिए बैटरी लगाई हुई है, विभव वितरक या पोटेंशियल डिवाइडर कनेक्ट कर रखा है। कितना पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए वोल्ट मीटर है मेजर करने के लिए। और इस अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो P2 प्लेट पर इकट्ठे हो रहे हैं, संग्रहण हो रहा है उनका। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो स्टडी करने के लिए हमने एक माइक्रो एमिटर लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे करंट उतना ज़्यादा होगा। एक दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटिंग की हमने लगाई है जिससे हम P2 पर जो पोटेंशियल है वो चेंज कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो इनिशियली जब हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, जब लाइट इंसिडेंट होती है P1 पर, P1 एक ऐसा मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं, ऐसा एक इलेक्ट्रोड है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और इलेक्ट्रॉन्स P2 पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रखा है, तो इलेक्ट्रॉन्स P2 की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो मेजर करने के लिए हमने माइक्रोएमीटर लगा रखा है। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें ये देखा कि जैसे जैसे हम P2 पर पोटेंशियल अप्लाई करते जाएंगे, पहले तो करंट थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू पर आ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जब हम लाइट इस पर इंसिडेंट करते हैं, इस P1 प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश अगर आपतित हो रहा है, तो P2 पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिनकी वजह से धारा प्रवाहित हो रही है, माइक्रोएमीटर में हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो पहले तो धारा थोड़ी सी बढ़ेगी जैसे हम V बढ़ा रहे हैं और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। अब आप ये देखेंगे कि अगर हमने P2 पर सपोज़ ज़ीरो पोटेंशियल लगा रखा है तो भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इस पर अट्रैक्ट होंगे। अब अगर हम P पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा दें तो क्या होगा, तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो P2 पर पहुंच जाएं और करंट फ्लो हो। तो करंट ज़ीरो करने के लिए हमें लगातार P2 पर जो नेगेटिव पोटेंशियल है बढ़ाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, एक निश्चित मान पर धारा का मान शून्य हो जाएगा। और पोटेंशियल का वो मान जिसके लिए धारा का मान शून्य हो रहा है निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप एक इंटेंसिटी की लाइट डालें चाहे दूसरी इंटेंसिटी की लाइट डालें, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वो पोटेंशियल है, वो निरोधी विभव है जिस पे प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट रिड्यूसेस टू ज़ीरो। तो अब हम यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ परिणाम और कुछ नियम यहाँ पे निकालेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस। कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जब हम लाइट उस पर इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। दिस फिनोमेना ऑफ सच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। The electrons so emitted are called photoelectrons and the current due to these electrons is called photoelectric current. तो अब इनके कुछ experimental results हम देख रहे हैं। जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित रखी जाती है
तब प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है. फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. मीनिंग जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी. पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से एक निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा का ही प्रकाश होना चाहिए. उस निश्चित आवृत्ति से अगर कम का प्रकाश है, उस आवृत्ति से कम आवृत्ति है, तो आप तीव्रता या इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दें इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा. सो फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. सेकेंड है, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित रखी जाती है तब निरोधी विभव वी जीरो प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है. अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है. फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी. सो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो इंटेंसिटी कुछ भी हो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा. निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल वी जीरो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है. वी जीरो को हम लिख सकते हैं ए न्यू प्लस बी, जहाँ ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं. बी जो है वो डिपेंड करता है फोटो एमिटर सब्सटेंस पर. तो फोटो एमिटर सब्सटेंस मतलब जहाँ पे हमने वो पी वन इलेक्ट्रोड लिया था वो कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि बी की वैल्यू क्या है. तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज बिलो अ सर्टन वैल्यू. दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम, अगर हम कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे चाहे हम इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दें. और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो एक निश्चित आवृत्ति न्यू जीरो से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता. इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं. इसको हम न्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. तो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू कि कैसा मटीरियल है उसके लिए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग होगी. जैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है प्रकाश विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है. अर्थात प्रकाश के आपतन तथा फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती. सो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज एज सून एज द लाइट इज इंसिडेंट. दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो अब ये जो कुछ हमने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ऑब्जर्व किए इनको हमने क्लासिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर ये देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे फेल हो जाती है. तो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग की ऊर्जा तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है. अतः जब पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश किसी धातु सतह पर आपतित होता हो तब उस धातु पृष्ठ के कुछ इलेक्ट्रॉन को तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर बाहर निकल आना चाहिए. इसके अनुसार जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश होगा उतनी ही तरंग ऊर्जा ज़्यादा होगी. इस कारण उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए. तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोगों से निष्कर्ष निकलता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है. सो क्लासिकली ये वी नो दैट द एनर्जी ऑफ अ वेव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी. तो अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट है जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए. सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेकर हम बाहर निकल जाना चाहिए एमिट होना चाहिए. सो क्लासिकली ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही वेव क्यों चाहिए. भाई कोई भी फ्रीक्वेंसी है अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स को निकलना चाहिए. और जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो भी बढ़नी चाहिए. दैट मीन्स अगर ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट है तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए.
फिर चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति पर प्रकाश तीव्रता अत्यधिक कर धातु पृष्ठ पर आपतित करें तो तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर आना चाहिए। जबकि प्रयोगात्मक तथ्य यह है कि दहेली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए चाहे कितनी भी तीव्रता रखें फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी या वेव हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता। जबकि क्लासिकली अगर हम कम फ्रीक्वेंसी की भी लाइट है हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकलना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये नहीं ऑब्जर्व नहीं किया गया। तो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार जब धातु पर प्रकाश डाला जाता है तब प्रकाशित क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा वितरित हो जाती है। निम्न तीव्रता पर प्रकाश तरंग में से पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उत्सर्जित होने में इलेक्ट्रॉन को कुछ समय लगना चाहिए। प्रयोगात्मक तथ्य यह है कि धातु पर प्रकाश गिरने में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। तो क्लासिकली जो वेव्स हैं या जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो यूनिफॉर्मली सब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगी और इलेक्ट्रॉन्स पर धीरे धीरे उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके सफिशेंट एनर्जी लेकर बाहर निकलेंगे। दैट मीन्स जो लाइट इंसिडेंट हो रही है और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उन दोनों के बीच में कुछ टाइम लैग होना चाहिए। देयर शुड बी सम टाइम लैग, बट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि एज सून एज द लाइट इज इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं एंड देयर इज प्रैक्टिकली नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट्स ऑफ लाइट एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो क्लासिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एंड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वील हैव टू रिसोर्ट टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन्स क्वांटम थ्योरी थी ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो आइंस्टाइन ने ये प्रपोज किया था कि लाइट में जो फोटोन्स के फॉर्म में लाइट आती है और हर एक क्वांटा ऑफ एनर्जी फोटोन में होती है और उस क्वांटा ऑफ एनर्जी को एच न्यू से हम देते हैं। एच प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड और न्यू फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एनर्जी पैकेट है ऊर्जा का जो पैकेट है जो अपन क्वांटा कह रहे हैं इसको हम फोटोन कहते हैं। सो आइंस्टीन ने ये बोला कि जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स है और अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन इमिजिएटली उस फोटोन को एक्सेप्ट करके और एमिट हो जाता है। सो दैट एक तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए एच न्यू वाली फ्रीक्वेंसी और एक जैसे ही फोटोन इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बाहर निकल गया तो कोई टाइम लैग भी नहीं होता है। सो ये क्वांटम मैकेनिकली हम जब फोटॉन्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है। फर्स्ट कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी एच न्यू होगी तभी फोटोन एमिट इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अगर न्यू से कम फ्रीक्वेंसी है तो एच न्यू सफिशेंट है ही नहीं, फिर चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो सकता। बिकॉज इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे बट हर एक फोटोन की एनर्जी तो कम होगी और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है फोटोन को एज सच तो वो एमिट नहीं हो पाएगा। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो रिक्वायर्ड है किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, जो वहाँ पे पोटेंशियल बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए, उसको अपन वर्क फंक्शन कहते हैं। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एमिट फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। एक धातु पृष्ठ पर उपस्थित विभव रोधिका को पार कर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में समर्थ बनाने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो फाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू जीरो से। फाई के यूनिट्स क्या होंगे, एनर्जी, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो इसको कई बार डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई या डब्ल्यू। सो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। अब क्या होगा कि जो अपन ने लाइट इंसिडेंट करी उसमें से कुछ एनर्जी, उसकी एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन में यूज़ होगी,
दैट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू एमिट, और अगर उसके बाद उसकी एनर्जी है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर किसके बराबर है, एच न्यू माइनस फाई, फाई इज़ द वर्क फंक्शन. अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स दैट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू एमिट, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो. तो जीरो इज एच न्यू जीरो माइनस फाई, तो फाई किसके बराबर हो गया, एच न्यू जीरो. सो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो. अब अगर वी जीरो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं, तो ई वी जीरो किसके बराबर होगा, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर. तो ई वी जीरो इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, या वी जीरो इज इक्वल टू एच न्यू बाय ई माइनस एच न्यू जीरो बाय ई. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें न्यू और वी जीरो में, तो फॉर वी जीरो की वैल्यू फाइव बाय ई होगी व्हेन न्यू इज जीरो, जो इसको आपको इस डायग्राम से भी दिख रहा है. और अगर हम इसकी लाइन खींच रहे हैं तो एक स्लोप आएगा, जिसका स्लोप होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप होगा h बाय e. तो न्यू आवृत्ति के प्रकाश के प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है. जब न्यू आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, तब इस प्रकाश में फोटोन की संख्या में वृद्धि होती है. यदि एकांक क्षेत्रफल पर आपतित प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या n है, तो प्रकाश की तीव्रता कितनी हुई, n नंबर है, और हर फोटोन की एनर्जी है h न्यू, तो I कितना हो जाएगा, n h न्यू. सो इन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ईच फोटोन विल हैव एनर्जी h न्यू, एंड ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी द नंबर ऑफ फोटोन्स वुड इंक्रीज. इफ़ द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन यूनिट एरिया इज n, देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वुड बी I n h न्यू, I इज इक्वल टू n h न्यू. सो यू सी कि जब अगर अपन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं, पर हर फोटोन की एनर्जी उतनी ही है, और इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है. अगर न्यू की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है. और अगर हम फोटोन को लेते हैं, फोटोन हमें मालूम है इट इज़ पार्टिकल विद रेस्ट मास ज़ीरो, तो विराम द्रव्यमान या रेस्ट मास इसका ज़ीरो होने से एच न्यू ऊर्जा के फोटोन का संवेग कितना होगा, पी इज इक्वल टू ई बाय सी. ई है एच न्यू, एच न्यू बाय सी, या अपन इसको एच बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं. और आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन क्या है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू पी बाय सी. सो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्वांटम मैकेनिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है. सो ये क्वांटम मैकेनिकली हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. नेक्स्ट आपको मैं एक टेबल दिखा रही हूँ, इसमें जस्ट टू हैव एन आइडिया कि हर मेटल का वर्क फंक्शन क्या है. सो यू कैन सी सीजियम का सबसे इस फॉर दिस पर्टिकुलर सेट सीजियम का कम है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम 2.2, सोडियम 2.3, कॉपर 4.7, सिल्वर 4.7 एंड प्लैटिनम 6.4. तो प्लैटिनम का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, तो प्लैटिनम से अगर अपन को इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हमें हाई फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस देने पड़ेंगे. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इन द नेक्स्ट लेक्चर वील एक्सप्लेन द कॉम्प्टन स्कैटरिंग एंड कॉम्प्टन एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिकली. तो कॉम्प्टन एक्सपेरिमेंट को भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प चाहिए थी. थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.